हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी जो सुबह के बजे हैं 8 और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं तैयार हो चुका हूं। तो मैं वेट कर रहा हूं अपने दोस्तों का, सहपाठियों का, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत जगह शिकारी माता, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और दिखाते हैं आपको वहाँ का प्लेस किस तरह का है। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर जा रहा हूँ, बाकी दोस्तों का पता नहीं है। और मेरे साथ है जैसे कि कृष्णा देवी है, वो कैमरा पकड़ के बैठी है, तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों चलते हैं, आज का ब्लॉग 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पर पहुँचने में। जो माता है उसके लोगों की कितनी श्रद्धा है, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस ब्लॉग में। आ गई गाड़ी। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है मार्को वहाँ पर पहुँचने में। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो हमने तो फिर अभी गूगल में सर्च किया, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है वहाँ का। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ है, जरा इधर देखो सारे, ठीक है। और ये कृष्णा देवी है, ठीक है, आने वाला है। हाँ, सबको आज तो एंजॉय करेंगे, ठीक है, उसी लिए जा रहे हैं हम सभी साथ। तो फिर अकेले जाने का तो फिर आपको पता है। मुझे यहाँ पंडो में मेरी पहली ट्रिप है और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो यहाँ कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, जब दिखाने लायक कोई चीज होगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं माता रानी के जो स्थान है वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है, शिकारी देवी मंदिर, धारने पर आप सभी का स्वागत है। तो ठीक है दोस्तों, यहां से जो है स्टार्ट करेंगे हम, तो 15-20 कर मिनट मार को लगेंगे ऊपर पहुंचने में। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों हम मंदिर के ओर प्रस्थान कर रहे हैं, देखते हैं हमारे को कितना टाइम लगता है मंदिर तक पहुंचने में, क्योंकि अभी मंदिर तो पहुंचे नहीं है दोस्तों। और मेरे साथ है कृष्णा, आया करें जरा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पब्लिक किस तरह से, मतलब माता रानी के दरबार जा रहे हैं और कुछ तो दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात आप जानते होंगे कि जो शिकारी माता का मंदिर है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और काफ़ी हाइट है, काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही स्वच्छ है। ममता कहाँ जा रही है आज? शिकारी माता के दर्शन करने। पहली बार? नहीं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार, ठीक है, तेरा तो काम है घूमने का। हाय करो, हाय हाय करो हिंदू से। कोई कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है, चलो आ जाओ। तो दोस्तों फाइनली जो है माता रानी के दरबार के वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी जो है जो मेरे सहपाठी है वो माता रानी के लिए कुछ प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। तो देखिए, राम से। तो दोस्तों हम मंदिर को प्रस्थान कर रहे हैं
आप देख सकते हैं मेरे सहपाठी निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। तो सुनो, सभी बोलेंगे ठीक है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ठीक है, ओके, हाय हाय करते जाएंगे सभी। कैसा लग रहा है गायत्री? बहुत अच्छा, बहुत ही। हाँ जी दोस्तों, हम माता रानी के दूसरे द्वार पर पहुंच चुके हैं। नीचे वाला जो पहला द्वार था वहां से हमने स्टार्टिंग की और यहां पे जो फिनिश होगा ये दूसरा द्वार है माता रानी का। तो आप देख रहे हैं ऊपर, यही है माता रानी का मंदिर। मैं आपको नजदीक जाकर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो आपको मंदिर की तरफ, आपको मंदिर के चारों ओर का जो वातावरण है, वातावरण तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों यहाँ देखिए, आप मंदिर को देख सकते हैं और भीड़ देखिए दोस्तों, ठीक है। तो मेरे सहपाठी भी जो है यहाँ पर, दादा वगैरह भी जो है धूप वगैरह चला रहे हैं, तो मैं भी चलाऊंगा थोड़ी देर बाद। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Hold me close till I get up, time is barely. दोस्तों अभी जो है मेरे जो सहपाठी है उनकी जो फोटो शूट चली है, ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों फोटो यादगार रहती है, बाकी तो फिर दूसरी बार आना या ना आना वो तो फिर प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो अभी जो है मेरी जो सहपाठी है वो सिक्के लगाएंगे इधर, इनकी भी कुछ ना कुछ मनोकामना होगी, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक मनुष्य की अपनी मनोकामना होती है और कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है। तो ये भी प्रकट करेंगे माता रानी के सामने और देखते हैं कहाँ तक माता रानी की मनोकामना को पूरी करते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं मेहनत भी बहुत बड़ा रोल निभाती है, तभी जो है माता रानी साथ देती है। ऐसा नहीं कि माता रानी सब कुछ करेगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी, आप सब जानते हैं कि मेहनत करेंगे तो माता रानी साथ देगी, तो इसलिए मेहनत करना ना छोड़ें। इतनी खुशी मुझे आज तक। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. So guys, अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों शिकारी माता से होकर हम एक दूसरी जगह गए थे, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, तीर्थन स्थान है, और उस तीर्थन स्थान का जो नाम है वो है बूढ़ा केदार। और लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर जो है शारीरिक बीमारियाँ दूर हो जाती है स्नान करने से। तो हमने बहुत मज़े किए हैं उस वीडियो में, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। Yeah.